हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गज़लर। आज मैं आ गया हूँ सिंगापुर में हॉपर विला पे। तो हॉपर विला क्या है उसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली क्या है, एक थीम पार्क है, ठीक है। सिंगापुर में एक थीम पार्क है, इसके लिए हमें एग्ज़िट ए से हॉपर विला MRT एग्ज़िट ए से हमें बाहर आना है। तो एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि एक बर्मीज चाइनीज ब्रदर जो थे वो लॉन्ग बैक सिंगापुर शिफ्ट हो गए थे। एक ब्रदर का नाम हॉ था, दूसरे का एंड नेम पर था, PAR। और उन लोगों ने मिलके जो है टाइगर बाम जो है वो मैन्युफैक्चर किया था सिंगापुर में, उसकी फैक्ट्री लगा के, ठीक है। उसके ऊपर काफ़ी बॉम्बिंग वगैरह हुई, लेकिन बाद में जिस जहाँ पे वो एस्टेब्लिश किया था, जिसको टाइगर बाम गार्डन्स बोलते थे, उसी का नाम हॉपर विला कर दिया है। तो ये देखिए, ये हॉपर विला है। यहाँ पे एक हेल गार्डन भी है, बट उसका टाइम आज शायद एंड हो गया है, इसलिए वहाँ पे तो शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। ये देखिए, आगे आपको एक टाइगर भी दिख रहा होगा, ये देखिए टाइगर भी है ना। यहाँ पता नहीं एक ड्रैगन जैसी स्टैचू है उसके पास बैठे हुए। तो ये पूरा हॉपर विला है, इसके अंदर जाके थोड़ा सा मैं आपको शो करता हूँ कि क्या है एक्चुअल में हॉपर विला, है ना। इसको हॉ का को बोलते हैं टाइगर, और पर PAR वो जो है टाइगर के पंजे को बोला जाता है, तो इसलिए इस गार्डन का नाम हॉपर विला हो गया है। ये देखिए, यहाँ एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी दिखाया जा रहा है ना। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ बताते हैं 1000 स्टैचूज एंड 150 जैंट डियोरमाज हैं, जो कि वो डिपिक्ट करते हैं किसी ना किसी चीज़ को। और यहाँ पे एक मेमोरियल भी है, जो AW ब्रदर जो है उनके लिए बनाया गया है, है ना। और ये यहाँ पे हॉक मोंग यू नाम पे एक आर्किटेक्चर था जिसने इसको बनाया था, लेकिन बाद में इसको बॉम्ब कर किया गया था World War II के समय, है ना। बाद में इसको फिर से 3-4 बार फिर से इसको जो है बनाया गया, रिबिल्ड किया गया, और आज ये इस स्टेट में है। तो आज चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए इसकी एंट्री है, यहाँ पे जॉइंट डॉर्मास बनाए गए हैं। ऊपर देखो ये टाइगर कितना बड़ा और बहुत ही बड़ा टाइगर बनाया गया है, है ना। और ये चलिए आप ऊपर लेके चलता हूँ, हेल गार्डन के लिए लग रहा है मुझे यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा। चलिए, एक अच्छी चीज यही है कि ये बिल्कुल हॉपर विला MRT है, उसके बिल्कुल बगल में ही है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं करना है। एंशियंट चाइनीज आर्किटेक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है, जगह जगह टाइगर बने हुए हैं, और ये बड़े बड़े डियोरमास बोलते हैं इनको। ये देखिए फेंगशुई जो है वो यहाँ पे किसी जमाने में काफी प्रैक्टिस की जाती थी। ये यहाँ पे बुद्ध है, ये लाफिंग बुद्धा है यहाँ पे, ये देखिए लाफिंग बुद्धा। ये हेल म्यूजियम का गेट है, जिसको अभी बोल रहे हैं शायद बंद है। ये आगे पता नहीं किसकी स्टैचू है, कोई परी जैसी लग रही है हाथ में छड़ी लेके। ये हेल म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, आज तो ये बंद है। ये यहाँ पे जगह जगह बुद्धा बने हुए हैं, वहां भी कोई स्ट्रक्चर है टाइप की गोल्ड बनी हुई है। ये डियोरमास है, ये शायद एक टिक का रेप्लिका है। ये ड्रैगन है, ये एंट्री है हेल म्यूजियम की। तो इन्होंने बताया कि 5 बजे लास्ट एंट्री होती है, वो आज बंद हो चुकी है, बस मंडे को ये क्लोज रहता है। ये देखिए यहाँ पे हर जगह बुद्धा है, हर जगह बुद्धा।
अच्छी जगह है, आज मैं मिस कर गया हूँ इसको, है ना। ये जो मीनार है मिस्टर ओ हाउ, इन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था, ये इनके आर्किटेक्चर था, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, है ना, इनकी याद में इन्होंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। ये हेल म्यूजियम में इन्होंने एक्चुअली ये डिपिक्ट किया है कि विजन ऑफ डेथ एंड आफ्टर लाइफ क्या होती है, वो यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए मेरे को किसी और दिन आना पड़ेगा, मंडे छोड़ के, है ना, ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ एक्चुअल में है क्या ये। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ ऊपर। वहाँ पे चाइनीज का गॉडेस लक्ष्मी है, जिसको क्वान यू बोलते हैं। एक बार आपको एक पास से दिखाता हूँ, शायद लिखा भी होगा लेकिन चाइनीज में लिखा होगा तो शायद मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझ में ना आए। ये चाइनीज आई गेस डोंट नो टेम्पल है क्या है। देखिए बहुत अच्छा बुद्ध है यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं। ये चाइनीज गॉडेस लक्ष्मी जो है, इनके पैरों में फिश है। देखिए हम आते हैं जिनको लक्ष्मी जी बोलते हैं, ये चाइनीज गॉडेस लक्ष्मी है। और आगे वो स्तंभ बना हुआ है, वो क्या है वो एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड के बीच में भी बुद्धा है। ये देखो पॉइंट के बीच में भी बुद्धा है। ये यहाँ पे काफी सारे टॉर्टेस हैं। बुद्धा टेंपल के पास यहाँ स्वैन है, वहां पर भी कुछ टॉर्टोइज हैं। यहाँ स्वैन है, ये चाइनीज की आई डोंट नो कौन सी देवी है, कोई सरस्वती जी लग रही है, कोई लक्ष्मी जी लग रही है, अब ये हमें पता नहीं है। उधर सामने भी तीन इन्होंने इनके गुरु डिपिक्ट किए हुए हैं, आई डोंट नो ये क्या है, हालांकि पास में लिखा हुआ है। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन्होंने एक बनाई हुई है यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आई डोंट नो किस तरह से इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। आगे जैपनीज सुमो रेसलर्स जो हैं वो भी दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये है द टेल ऑफ मैडम व्हाइट स्नेक, द टेल ऑफ मैडम व्हाइट स्नेक यहाँ पे बताया हुआ है, सब कुछ इंग्लिश में मेंशन है। ये आगे जैपनीज सुमो पहलवान, बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया हुआ है इसको। चाइनीज नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो पिग में बॉर्न होते हैं 35, 47, 1959, 71, 83, 92, 2007 और 2019 वाले हैं, है ना। और ये पिग बना हुआ है और ये उनके बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है, दी हुई हैं। रैट वाले 1936, 48, 60, 72, 84, 1996, 2008 और 2020, और वैट के बारे में यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं। ऑक्स ये देखिए, और इनके बारे में ये डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। टाइगर के बारे में, ये ईयर में बॉर्न हुए लोग टाइगर हैं, और
इनके बारे में डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। रैबिट के बारे में, ये रैबिट के ईयर्स हैं, जो इनमें बॉर्न हुआ है वो रैबिट है, और ये डिटेल्स फॉर रैबिट, ड्रैगन हु इज बॉर्न इन दीज ईयर्स एंड दीज आर द डिटेल्स फॉर ड्रैगन, स्नेक इन ईयर में बॉर्न हुए लोग स्नेक हैं, ठीक है, और ये इनकी डिटेल दी हुई है। हॉर्स इन ईयर में बॉर्न हुए लोग हॉर्स हैं, और ये इनकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है इनके बारे में। वैसे ही गोट, इस ईयर में इन ईयर्स में हुए बॉर्न लोग गोट हैं, और इनकी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। मंकी, इन ईयर में बॉर्न हुए लोग मंकी हैं, और इन मंकी की डिटेल दी हुई है ये। रूस्टर, इन ईयर में बॉर्न हुए लोग रूस्टर हैं, और रूस्टर की डिटेल दी हुई है ये। डॉग, इन ईयर में बॉर्न हुए लोग डॉग हैं, और डॉग की डिटेल दी हुई है ये। तो मैंने पिग से शुरू करके बता दिया, ये वापस पिग आ गया। तो ये सारी डिटेल्स हैं इस पर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। जटायु हैं, ये अंदर द टेल ऑफ मैडम वाइट स्नेक, यहाँ पे शायद अंदर जा सकते हैं, इन्होंने जाने का रास्ता बनाया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है ये समझ में नहीं आया, बट ये यहाँ पर जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पत्थर का ही बना हुआ है, ये पुराने कल्चर को एक्चुअली डिपिक्ट किया हुआ है। इन ये सामने लिखा हुआ है, ये मेमोरियल बना हुआ है, इन एवर लविंग मेमोरियल मिस्टर ओ बूनप, और वो पीछे हॉ, ये देखिए, इन एवर लविंग मेमोरियल मिस्टर ओ बून, हॉ, यहाँ नीचे उतर के पूरा स्टोन को बंसे बना के उसको पेंट किया हुआ है। ये देखो, ये पानी में लोग पहले कैसे डूब जाते थे, कैसे बच रहे हैं, ये डिपिक्ट किया हुआ है। अच्छा, वॉर का शायद शो किया हुआ है। स्टोरी है इसके पीछे जो कि ऐसे समझ नहीं आ रही है, बट एंसेंट चाइनीज आर्किटेक्चर्स कह लो, कल्चर को यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। ये आगे फॉग है, हेलो फ्रेंड्स, एक चीज और, जब जैपनीज सुमो पहलवान की कुश्ती होती थी जैपनीज ऑक्यूपेशन के समय, उस समय ये टाइगर बाम यूज होता था पेन को रिलीव करने के लिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, जैपनीज सुमो पहलवानों की कुश्ती, और उस कुश्ती के बाद पेन को रिलीव करने के लिए टाइगर बाम बनाया जाता। तो यहाँ जो टाइगर बाम की फैक्ट्री थी उस वजह से इसको टाइगर बाम गार्डन्स कहा गया, और बाद में ही इसका नाम टाइगर बाम गार्डन्स का नाम हॉपर विला हो गया। और ये आर्ट जर्नी है सामने,
यार जर्नी में क्या है वो लेट्स इम्प्रिंट हैप्पीनेस इन सिंगापुर, तो इसको एक बार चल के हम लोग देख सकते हैं। एट इमॉर्टल्स की स्टोरी यहाँ पे फ्रेम की हुई है। एट इमॉर्टल्स के लिए शायद ये इन्होंने बनाया हुआ है अपविला में। ओवरऑल फ्रेंड्स बताते हैं कि यहाँ पे 1000 स्टैचूज और 150 जाइंट डॉगमास हैं। इट मीन्स जाइंट स्ट्रक्चर, सॉरी स्मॉल 1000 स्टैचूज हैं, स्मॉल स्मॉल। ये फ्रॉग हैं एक्चुअली चाइनीज कल्चर के अकॉर्डिंग। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो काफी तो समझ नहीं आ रही हैं। आगे लिखा है नो एंट्री ऑथोराइज व्हीकल्स ओनली, डू नॉट क्लाइंब अप स्कल्पचर्स। ये स्कल्पचर बनाया है, ये उनका मेमोरियल है। ये फाइट उस समय में कैसे होती थी वो पूरा यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है। ये बच्चा है, ये ड्रैगन से फाइट हो रही है। इधर अगेन आगे लाफिंग बुद्धा आ गए। दिस इज, ये मेमोरियल है ओ बून हॉका, जेंटल टाइगर बोला जाता है। एंड दिस इज द मेमोरियल ओ बून हॉ। यहाँ पे जिराफ जैसा कुछ है, वाइल्ड डॉग दिख रहा है ये मुझे, ऊपर फ्लाइंग ड्रैगन है। नहीं, ये डॉग नहीं है, ये कुछ और है। नीचे एंट है और ऊपर शायद वो पॉक का मेमोरियल है। ये कॉन्फ्यूशियस है, मंकी कॉन्फ्यूशियस। ये यहाँ पे फेंगशुई काफी प्रैक्टिस हुआ करती थी उस समय में, तो ये कॉन्फ्यूशियस है। ये यहाँ पे मंकी गॉड्स फ्लावर फ्रूट किंगडम, तो मंकी गॉड मीन्स हनुमान जी। मेरे ख्याल से मंकी गॉड हनुमान जी को डिपिक्ट करते हुए बताए बनाया गया है ये। हेलो व्यूअर्स, ऊपर वो मंकी गॉड डिपिक्ट किया हुआ है। मंकी गॉड आई डोंट नो, ये हनुमान जी को कुछ और मानते हैं या कुछ और समझते हैं। टावेस बुद्धिस्ट यूनिटी। ये एक्चुअली जो है ये हनुमान जी बाली और सुग्रीव को शायद डिपिक्ट किया हुआ है जैसा कि बताया जा रहा है। ये लोग भी उनको पूजा करते हैं, चाइनीज कल्चर में भी पूजा होता है। तो ये अब इनमें से हनुमान जी कौन है, सुग्रीव कौन है और बाली कौन है डोंट नो, बट ये मंकी गॉड यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया हुआ है। ये इन्होंने आई डोंट नो क्या डिपिक्ट किया हुआ है। दो गर्ल्स हैं, स्पाइडर वुमेन ट्रैप त्रिपिटिका। त्रिपिटिकाज फर्स्ट डिसिपल मंकी गॉड, ये उनकी डिटेल्स यहाँ मेंशन की हुई है। द मैजिक साइप्रस ग्रू, ये क्या बैल जैसा बना हुआ है, हॉर्स है, मैजिकल वाइट हॉर्स।
मास्टर डिसिपल सैंडी के बारे में बताया हुआ है, सैंड मॉन्क। ये यहाँ पे मंकी गॉड बैटल, स्कारलेट चाइल्ड से बैटल कैसे कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। एक्चुअली चाइनीज कल्चर में भी जैसे हम लोग इंडियन कल्चर में हनुमान जी को भगवान मानते हैं, वैसे ही ये लोग भी मंकी गॉड में बिलीव करते हैं। ये देखिए, इनका सेकंड डिसिपल पिग्सी था, ये शायद पिग्सी है। आगे फिर से जर्नी टू द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ कैसे ये लोग गए उसके ऊपर एक कोई फेमस टेल इन्होंने मेंशन की हुई है। और ये इनकी यहाँ पे फाइट हो रही है। अच्छा, बुद्धा हर जगह मेंशन है, आगे भी यहाँ पे बुद्धा मेंशन है। बुद्धा इन्होंने दिखाया। बुद्धा को बहुत ज्यादा माना जाता है कल्चर में, चाइनीज कल्चर में। और ये एक और मेमोरियल है, जगह जगह बेंचेस पे लिखा हुआ है टाइगर बाम गार्डन। और ये दूसरा मेमोरियल है। ये जो इनके आर्किटेक्चर थे उनका मेमोरियल है, नेवर लविंग मेमोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ओचुकिन। ये देखिए, तथागत नाम मेंशन है यहाँ पे दिया गया है, तथागत। सिंगापुर में अराउंड 36% बुद्धिस्ट हैं, काफी मानते हैं ये लोग बुद्धिज्म को और लॉर्ड बुद्धा को। और कछुए को ये लोग डिपिक्ट भगवान विष्णु की सवारी मान के, और इसीलिए ये लोग यहाँ पे हर जगह चारों तरफ कछुए को ये पॉन्ड के अंदर रखा हुआ है। ये मानते हैं कि कछुआ जो है विष्णु भगवान की सवारी है। तो जैसे हम लोग हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में हर किसी की पूजा करते हैं, सिमिलर वे चाइनीज कल्चर में भी सबकी पूजा की जाती है, या हर एनिमल का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। तो एक तरह से काफी कुछ इंटर रिलेटेड है। बाकी तो तथागत गौतम बुद्ध जो है जब गए थे उन्होंने तो ऑल ओवर वर्ल्ड, अफगानिस्तान से लेके मेनलैंड चाइना तक बुद्धिज्म को फैलाया है, है ना। ये कोई गॉडेस लक्ष्मी आ गई है चाइनीज की। ये चाइनीज टेंपल मुझे लग रहा है, क्या लिखा हुआ है आगे समझ नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज डू ओबून हॉस टाइगर कार। अच्छा, ये ओबून हॉ जिनके नाम पे हॉ है उनकी कार है ये, जिनके नाम पे हॉपर विला है, उसका नंबर था S8989। ये ओबून हॉ टाइगर्स का, टाइगर का कार्स। तो ये हॉ की कार है और हॉप इन्हीं के नाम पे बना है। ये बर्मीज चाइनीज ब्रदर थे हॉप, जिनके नाम पे हॉपर विला। ये इनकी डिटेल यहाँ पर दी है, हॉपर विला ब्रेन चाइल्ड ऑफ एन एंटरप्रेनर। ये जैसे हमारे यहाँ पे कलकत्ता में वो हाथ में लेके दौड़ते थे रिक्शा, तो सेम वे ये यहाँ पे रिक्शा है जिसको लेके किसी जमाने में चला जाता था। ये आगे ट्राईसाइकल भी है, ये बाईसाइकिल और वो ट्राईसाइकिल अटैच है, वो वाली साइकिल उससे अटैच है, टू व्हील्स और बाद में
वो बनी हुई है, और ये नॉर्मल बाईसाइकिल। तो ये वो कलकत्ता वाली रिक्शा हो गई है जो हाथ में लेके दौड़ते हैं पुराने जमाने में। ये सारी अलग अलग राशि के इन्होंने बनाए हुए हैं, रैबिट से लेके और डॉग से लेके और पिग से लेके और सब कुछ, गोट वगैरह सब। डिफरेंट डिफरेंट साइंस की क्या वैल्यू, क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब यहाँ बताए। गौतम बुद्ध तथागत, तो तथागत को चाइनीज में जू लाई बोलते हैं। हेल म्यूजियम में, जैसे हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में जो बताते हैं ना कि मरने के बाद ऐसा होता है, फिर क्या क्या होता है, फिर कैसे पनिशमेंट होती है, कैसे जन्म होता है, यही सेम चीज हेल म्यूजियम में बताई गई है। तो सेम इंडियन कल्चर जो कि पूरी दुनिया में फैला था, उसी को यहाँ पर एक दूसरे फॉर्म में, थोड़ा दूसरे नाम से बताया गया है। तो अच्छी जगह है हेल म्यूजियम। तो मैं आज नहीं जा पा रहा हूँ, बाद में जब जाऊँगा तो मैं आपको इसके डिटेल्स फिर मैं बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देन थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।